हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ कुटकी धनबाद में। तो कुटकी अभी मेन मार्केट में हूँ, तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है एक पिकनिक स्पॉट है भटिंडा फॉल। तो जा रहा हूँ वहीं पे विजिट करने के लिए, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तो फिलहाल अभी कुटकी मेन मार्केट में हूँ। तो अभी टाइम हो रही है 10 बज रही है अभी, तो लगभग आधा घंटा में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं वहीं पर भटिंडा फॉल पे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। अब देख सकते हैं मेरे साथ में है मेरा फ्रेंड रणधीर और इस बाइक है, बाइक से हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, तो हम लोग लोकेशन रास्ता भी नहीं पता है, मैप पे देखते देखते पहुँच जाना है बस। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, अब डायरेक्ट पहुँचते हैं वहीं। स्टार्ट कर। हम लोग अपना लोकेशन भटिंडा वाटरफॉल में आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक का सुविधा है, यहाँ के लोगों द्वारा दिया गया है। आपको बाइक वाइक चोरी का यहाँ कोई डर नहीं है। 20 रुपया टिकट लगा है बाइक रखने का। और ये हमारा इधर हमारा बाइक लगा हुआ है। फिलहाल अब चले हम लोग इंटर करने के लिए। वाह, तो चलते हैं अब इंटर करते हैं। फिलहाल अभी इंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं आगे मेला उला भी लगा हुआ है, लेकिन अभी बंद है। अभी बंद है फिलहाल, रात में चालू होता गया या पता नहीं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भटिंडा फॉल में। देख सकते हैं वो मेला लगा हुआ है, यहाँ पर झूला वूला सभी सारे चीज़ें लगे हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अभी तो सुबह का टाइम है, हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पर, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ अभी चालू उलू देखिए झूला वूला सब अभी रुका हुआ है। कुछ स्कूल का कौन सा स्कूल से आया भाई? पायनियर पब्लिक स्कूल। कहाँ पे है ये? चास में है। चास में? चास है तो मैं यहाँ घूमने आया। इधर बोकारो तरफ कोई जगह नहीं मिला अगर घुमा हुआ है तो? नाम क्या है तुम्हारा? सरवन। सरवन कुमार, बहुत अच्छा नाम है भाई सरवन। फिलहाल आप देख सकते हैं ये भटिंडा वाटरफॉल, तो ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है, पर यहाँ पे विजिट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत पीसफुल है, शांति है, सभी फैमिली लोग यहाँ पे आए एंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं अभी वहाँ पर हम लोग। ये इतनी बड़ी जगह यहाँ पर पार करनी है, देखते हैं किस तरीके से पार होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं वो है इसका झरना। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं कि झील से पानी से 10 फीट दूर रहें और CCTV कैमरे के निगरानी में है आप। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चढ़ में स्लोमो दिया हुआ है ना? हाँ दिया हुआ है। अरे यार चढ़ना तो मुश्किल हो रहा है। फिलहाल जा रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अकेले चढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक हाथ में हेलमेट है, एक हाथ में मोबाइल है। फिलहाल आप देख सकते हैं यही वो झील है जिसे बताया गया था कि 10 फीट दूर रहे। और यहाँ पे बहुत ही घटनाएं भी हुई है। यहाँ पे धनबाद ISM के बच्चे, जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट लोग आए थे यहाँ पे नहाने के लिए, और किसी कारणवश दुर्भाग्य से वो लोग यहाँ पे लोग के 2 लोग की मौत हो गई थी, नहाने से डूब गए थे। फिलहाल के लिए प्रिकॉशन रखे यहाँ पर आए हैं तब। और ये देख सकते हैं यहाँ पर फैमिली लोग आए हैं ट्रिप पर, फैमिली और कुछ स्कूल के लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक छोटा सा पहाड़ है, तो हम लोग उस पर जा रहे हैं घूमने के लिए और वहाँ पर देखते हैं वहाँ से इस भटिंडा फॉल का व्यू कैसा आता है। वहाँ से विजिट करके आप लोग को भी वीडियो शेयर करेंगे। तो फाइनली हम रणधीर आ चुके हैं इस भटिंडा फॉल के सबसे टॉप झरने पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसका व्यू, थोड़ा सनलाइट के कारण थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, एकदम अमेजिंग, एकदम पीसफुल प्लेस है। पर लोग यहाँ पिकनिक मनाने आज आए हैं, तो पूरा DJ के साथ आए हैं, तो पूरा इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस फॉल के सबसे ऊपर से इस व्यू दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी अच्छा जगह है घूमने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो काफ़ी यहाँ पर मेंटेन रखते हैं, यहाँ पर कमेटी भी अच्छी है, यहाँ पर मेला उला लगाए हैं सब, झूला उला लगा हुआ है। तो मैं आ चुका हूँ इस हॉल के सबसे टॉप पर, देख सकते हैं, और ये कुछ लोहा का पुल टाइप में बनाया गया है इसी पर, हालांकि बहुत पुराना पुल है, डर भी थोड़ा लग रहा है कि टूट टूट जाए ना जाए, इसलिए देख सकते हैं भटिंडा फॉल का खूब नज़ारा। फिलहाल के लिए अब बहुत ऊपर में बहुत घूम लिए, अब जाते हैं नीचे में। नीचे में सभी लोग आए एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करेंगे। आ चुके हैं सबसे निचले झरने पर और काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में। लोग यहाँ आए हैं कपल के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब घूम रहे हैं, खाली हम और रणधीर सिर्फ आए हैं।
दोस्त घूमने के लिए, बाकी बात सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ। अगले बार आएगा ना अपना गर्लफ्रेंड को लेके? बनेगी तब तो यार, लेके आएंगे बनेगी का, तुम डायरेक्ट शादी करो, पत्नी के साथ लेके आओ, घूमेंगे यहाँ हम लोग। यहाँ जानता आप क्या करने आए? वीडियो बनाने आए और कितना खेलने आए अब हम रणधीर जा रहे हैं कुछ फोटो शूट करने के लिए। फिलहाल आप लोगों की कम्युनिटी में फिलहाल काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में यहाँ पे। ये है झरना, वाह जब इंजॉय करो, बहुत ठंडा पानी था, साउंड तो आप लोगों को नहीं आ रहा था पर हम लोग को खूब मज़ा आ रहा है। अभी आए घूमे मज़ा आए, आप लोग गाना सुने उसके पीछे हम लोग पूरा ठंडा इंजॉय कर लिए, सब जगह घूम लिए, अब जा रहे हैं नीचे। फोटो ले लो, हाँ वीडियो तो फाइनली हम लोग बहुत इंजॉय किए बठिंडा फॉल में। तो जिस टाइम आए थे उस टाइम तो भीड़ नहीं था, आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारा भीड़ हो गया, सभी लोग स्कूल के बच्चे और फैमिली के साथ सभी लोग यहाँ पर आए हैं। फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है बठिंडा फॉल का। और यहाँ टूरू लव भी थोड़ा मोड़ा चल रहा है, लोग आए यहाँ पर घूमने के लिए, समझ रहे हैं होंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम। और बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप आए घूमने के लिए, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, घूमिए और इन्जॉय कीजिए। बठिंडा फॉल बहुत ही अच्छा प्लेस है, देख सकते हैं आप। चोकोबार ही ले लें, ये हमारा चोकोबार क्रंच, खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो कहाँ से आए हैं? को लगा आप यहाँ का स्थानीय निवासी हैं? ठीक है, तो हमेशा यहीं को लगाते हैं। कैसे खाएंगे? मोबाइल रखो पॉकेट में, मोबाइल पॉकेट में रखो, अपना मजा आएगा खाने में। तो फाइनली गाइस हम लोग अपना आइसक्रीम खा के यहाँ से निकल रहे हैं और दिखाते हैं आपको मेला, जा रहे हैं मेला को। तो हम लोग जा रहे हैं अभी फॉल के दूसरे साइड, तो देख सकते हैं इधर भी काफ़ी अच्छा व्यू है। तो फिलहाल इधर चलते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे इस फॉल में एक शंकर भगवान का मंदिर भी है, गणेश भगवान का भी है, भाटिन हाड़ी थान, इसका मतलब तो हाड़ी है। हाथी पढ़ रहे थे अभी, अब आगे चलते हैं देखते हैं कहाँ है। यहाँ पे मतलब पूजा वूजा किया जाता है, यहाँ पे बलि दी जाती है, क्या है किस भगवान का है पता नहीं, आप लोग अगर पहले आए हो देखें तो बताइएगा कि किस चीज़ का यहाँ पूजा होता है। प्रकृति का दिया हुआ बठिंडा वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है, देखिए यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। देख सकते हैं मेरे पीछे कई लोग हैं पिकनिक मना रहे हैं, खाना वाना सब चिकन बिरयानी वगैरह सब बना रहे हैं, पूड़ी सब्जी आलू फूलगोभी का सब्जी, भाई हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। हम लोग तो यहाँ घूमने आए थे एक वीडियो शूट करने के लिए, बस फिलहाल के लिए इतना ही, हाँ बाद में आ सकते हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग कब, आज डेट कौन सा है? 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं 22 में, हम आएंगे 27 को आप देख रहे हैं, हाँ नेक्स्ट ईयर यानी 1-2 तारीख को फिर से आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए, या जनवरी में आएँगे। अभी देखिए इधर स्कूल के बच्चे लोग स्टूडेंट लोग हैं, फिलहाल मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। झारखंड के मसीहा वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, यूथ एसोसिएशन ऑफ बठिंडा फॉल। तो आए यहाँ पर घूमने के साथ साथ आपको फास्ट फूड वगैरह भी यहाँ पर मिलेंगे, खाइए पीजिए घूमिए एंजॉय कीजिए। ये है मेला का मीना बाज़ार, मीना बाज़ार है ये नाम है, फिलहाल के लिए तो अभी बंद है ही, अब ब्रेक डांस भी बंद है, सिर्फ वो चल रहा है। मेला का लगता है अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, खाली सब लोग हैं अभी, खाली खाली है पूरा, लगता है शाम को या रात में चालू करता होगा ना, हाँ शाम ही को चालू करता होगा मेला।
फिलहाल अब हम लोग निकल रहे हैं इस अमेजिंग प्लेस से, भटिंडा वाटरफॉल से। अब देख सकते हैं यहाँ पर कमेटी द्वारा कार पार्किंग का भी सुविधा दिया गया है। कार पार्किंग के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, बाकी बात घूमना फिरना यहाँ पर फ्री है, घूम सकते हैं। आइए फैमिली के साथ पिकनिक मनाइए। ये हम लोग का बाइक निकाल रहे हैं धीर। इसको देना किसको पड़ा, कुछ देना भी है ओ भैया बाइक। फिलहाल अब चलते हैं हम लोग घर की ओर, यहाँ पर घूम लिया, बहुत ही अच्छा मज़ा आया घूमने में। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।